तो रैदासी परम समर्थ सदगुरु और परम सुपात्रा श्री मीराबाई, मीराबाई को उपदेश मिल गया और मीराबाई ने राम नाम का जप आरंभ कर दिया। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, कृपा करी अपनायो हाँ, कृपा करी अपनायो, आयो जी मैं तो राम रतन आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर चैन कूटे या को चोर न लूटे, खर चैन कूटे या को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त हाँ, दिन दिन बढ़त सवायो, हो हाँ, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भवसागर सागर तेरी आयो, आप आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाम केवटिया सत सत की नाम केवटिया सत गुरु, भव सागरी तर आयो हाँ, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरसी हरसी जस गायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन देखो राम राम तो जप रही है मीरा जी और श्री कृष्ण का ध्यान कर रही है, श्री कृष्ण का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हो रहा है, वो साक्षात्कार ही नहीं सदेह रणछोड़ राय द्वारकाधीश जी के श्री अंग में मीरा जी विलीन भी हो रही है। इसलिए भैया भेद तो हमारी बुद्धि में घुसा हुआ है, वस्तुतः न तो भगवान में भेद है न संतों में भेद है, भगवान में भेद करने से भगवत अपराध और संतों में भेद करने से वैष्णवापराध लगता है, इसलिए भगवत अपराध और वैष्णवापराध से बचकर के भजन करना चाहिए।